और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं जहां आज दिल्ली में पहली बार बिना ड्राइवर के मेट्रो दौड़ती हुई दिखाई देगी और इसी के लिए पीएम मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। दुनिया भर की चुनिंदा मेट्रो की श्रेणी में अपनी उपस्थिति दर्ज करने जा रही है। देश में पहली बार ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का परिचालन का मैजेंटा लाइन पर शुभारंभ और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के जरिए एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ट्रांजेक्शन सेवाओं की शुरुआत न सिर्फ दिल्ली मेट्रो के लिए बल्कि पूरे भारत की मेट्रो सेवाओं के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। हमारा सदैव प्रयास रहा है कि मेट्रो यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान किया जाए। ड्राइवरलेस मेट्रो के आने से हमारे ट्रेन के परिचालन में ह्यूमन एरर की संभावना समाप्त हो जाएगी। कोविड महामारी की बाधाओं के बावजूद पिछले 8 महीनों में हमने कैशलेस ट्रांजैक्शन और आत्मनिर्भरता की दिशा में एनसीएमसी रुपे कार्ड से यात्रा सुनिश्चित कराने के लिए अथक प्रयास किए ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन वन नेशन वन कार्ड को मूर्त रूप दिया जा सके। दिल्ली मेट्रो ने आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत हाल ही में IATS यानी इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम लॉन्च किया है जो सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्वावलंबी होने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। लॉकडाउन से पहले दिल्ली में 65 लाख से ज्यादा यात्री रोज दिल्ली मेट्रो की सेवाओं का लाभ उठाते थे। महामारी के प्रसार को रोकने के सभी मापदंडों का पालन करते हुए लॉकडाउन के बाद भी हम आर्थिक गतिविधियों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर ड्राइवरलेस ट्रेन और एनसीएमसी कार्ड के संचालन का उद्घाटन और उनके आशीर्वाद वचन हमें एवं समूचे देश के मेट्रो परिवार को और उत्साह के साथ कार्य करने के लिए प्रेरणा देते रहेंगे। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। क्रिया प्रबंध निदेशक महोदय, अब प्रस्तुत है भारत में मेट्रो सेवाओं के अब तक के सफर को रेखांकित करती एक लघु वीडियो फिल्म। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2002 में दिल्ली मेट्रो के रूप में विश्व स्तरीय आधुनिक शहरी परिवहन के एक नए युग की आधारशिला रखी थी। आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करने और नए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के पथ पर दृढ़ संकल्प के साथ अग्रसर है। पूरे देश में जिस स्पीड और स्केल पर मेट्रो नेटवर्क पर काम हुआ वही सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है। वर्ष 2014 में जहां देश भर में मात्र 248 किलोमीटर मेट्रो का ही परिचालन किया जा रहा था वहीं आज देश के 18 शहरों में 702 किलोमीटर का विशाल नेटवर्क खड़ा हो चुका है जिसका लाभ प्रतिदिन लगभग 85 लाख से अधिक यात्रियों को मिल रहा है। यही नहीं, आज 27 शहरों में 1016 किलोमीटर नेटवर्क का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इन 6.5 सालों में देश में आधुनिक तकनीकी के विकास व स्वावलंबन, मानव संसाधनों के कौशल विकास तथा मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को नई दिशा मिली है। अब मेट्रो के कोच देश में डिजाइन व मैन्युफैक्चर ही नहीं हो रहे बल्कि निर्यात भी हो रहे हैं। इन प्रयासों से मेट्रो कोच के निर्माण की लागत 12 करोड़ से घटकर 8 करोड़ रह गई है। सिग्नलिंग, रोलिंग स्टॉक, डिजाइन, एनसीएमसी कार्ड, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर जैसे क्षेत्रों में भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आई मेट्रोज नॉलेज शेयरिंग के द्वारा एफिशिएंसी बढ़ाने के प्रयासों को साकार कर रहा है। मेट्रो सेक्टर कंजेशन कम करने, प्रदूषण पर लगाम लगाने, सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग बढ़ाने, रोजगार के अवसर और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग द्वारा
कार्बन फुटप्रिंट को कम कर शहरों को नई पहचान दे रहा है। शहरी विकास को दिशा देने, लागत कम करने, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने, फंडिंग के नए स्रोत विकसित करने, अधिक शहरों और अधिक नागरिकों तक मेट्रो का लाभ पहुंचाने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में परिवर्तन कर नई मेट्रो पॉलिसी, टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्डाइजेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एकरूपता तथा कॉस्ट बेंचमार्किंग जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और नए मेट्रो बिल को आकार दिया जा रहा है। घनी आबादी वाले बहुनगरीय क्षेत्रों को जोड़ने हेतु रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, कम आबादी वाले नगरों हेतु कम कीमत के मेट्रो लाइट, मेट्रो नियो तथा वाटर मेट्रो जैसे नए विकल्प सेक्टर को नए आयाम।